अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सुशांत राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिविटी। उम्मीद करता हूं सब खैर कैसे होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। तो गाइस, अगर आप यूट्यूब चैनल से अर्निंग करना चाहते हैं और आपको तकरीबन साल, दो साल, तीन साल तक हो चुके हैं लेकिन आपका चैनल वायरल नहीं हो रहा, आपका जो इनिशियल माइलस्टोन है यानी कि 1000 सब्सक्राइबर्स का वो ही कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है और आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं बड़े यूट्यूबर काशिफ मजीद ने किस तरह से अपना 5 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव किया था वो आपको मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं। आपको पता है कि बड़े यूट्यूबर्स कभी भी अपनी हिडन ट्रिक नहीं बताते जिसकी वजह से उन्होंने वो चीज़ अचीव की होती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, तो गाइस आपने इस वीडियो के साथ बने रहना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड। यूट्यूब चैनल को किस तरह से क्रिएट करना है, उसकी प्रोफेशनल सेटिंग किस तरह से करनी है, कौन कौन से चैनल्स जल्दी वायरल होते हैं YouTube, जिन किन चैनल्स को सपोर्ट करता है, और आप Facebook से अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, और ऑनलाइन अर्निंग की वेबसाइट्स कौन कौन सी होती हैं जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अर्निंग कर सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो गाइज चलते हैं आज की वीडियो में और आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आप कौन कौन सी ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं जिसकी बदौलत आप भी 5 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं। तो चलिए गाइज चलते हैं वीडियो की तरफ विदाउट wasting any time, let get into it। तो गाइस आपने सिंपल वे में क्या करना है, आपने यहाँ पर जाना है, ठीक है, और यहाँ पर शॉर्ट वीडियो का आपको नज़र आ रहा होगा, क्रिएट अ शॉर्ट, ठीक है। आपने शॉर्ट वीडियो के ज़रिए से 5 लाख सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं। वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगी, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊँगा क्लैरिटी के साथ, तो आपने इस वीडियो को कम्प्लीट देखना है। तो यहाँ पर हम आते हैं, हमने क्रिएट अ शॉर्ट पर क्लिक कर दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैजुअली मेरे पास कुछ वीडियोस पड़ी हैं तो मैं उनमें से एक वीडियो यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने जो है ना यहाँ पर आपको समझाना मकसूद है तो इसलिए ये चीज़ करनी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मेरे पास पीकॉक की एक वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, और मैं इसको जो है ना अपलोड करता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अगर आपकी 60 सेकंड की है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, ये वाला जो दायरा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहले 15 सेकंड की होगी, जब आप क्लिक करेंगे तो ये 60 सेकंड की हो जाएगी, ठीक है। अगर आप, क्योंकि शॉर्ट जो होती है ना शॉर्ट वीडियो वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकंड की होती है, एक मिनट की होती है, एक मिनट से ज़्यादा की अपलोड आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अब अगर आप कॉपीराइट फ्री सॉन्ग्स लगाना चाहते हैं, म्यूजिक लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐड म्यूजिक पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। इसका आपको कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये यूट्यूब आपको खुद सजेस्ट करता है, ठीक है। इसका कुछ परसेंटेज जो होती है ना वो उस बंदे को जाती है जिस बंदे का ये सॉन्ग होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स वगैरह मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें, ये यहाँ पर जो है ना क्लिक हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर एरो पे क्लिक किया तो ये ऐड हो जाएगा, एरो जो ब्लू एरो है ना उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल वे में यहाँ पर इसको यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। ये क्लिक कर दिया तो हमारे पास इस तरह से आ गया, ठीक है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही कमाल की चीज़ है वो आपने जहन में रखनी है, आपने यहाँ पर टेक्स्ट जरूर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा वॉल्यूम स्लो कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम सुनाना आपको मकसूद नहीं है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत, ठीक है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा लिखना आपने ताकि कोई भी बंदा जब देखे ना तो वो इसको क्लिक किए बगैर रह ना सके, ठीक है। बहुत ही प्यारा, ठीक है, मोर अपने पंख, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी जो है ना अट्रैक्टिव सा लिख सकते हो, ठीक है, जो किसी भी बंदे को अट्रैक्ट करे कि वो बंदा आपकी वीडियो को वॉच करे। पंख फैलाए, फैलाए, ठीक है। यहाँ पर आपने इस तरह से कर देना ये, ठीक है, ये रहा, ये हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर नीचे की तरफ कर देना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना या यहाँ पे ऊपर पे ऊपर की तरफ कर देना, ठीक है। यहाँ पर ये कर दिया आपने। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर कर दें, जहाँ पे मर्जी, जहाँ पे आपको सूटेबल लगे वहाँ पर आपने कर देना इसको। यहाँ पर कर दिया आपने,
ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही कमाल की है, आपने इसको जो है ना लाइट बिल्कुल भी नहीं लेना, यहाँ पर आना है अपने। और कुछ दोस्तों ऐसा करते हैं कि जो टाइटल उनका होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी करते हैं, लेकिन आपने लेंथी टाइटल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। आपने टाइटल जो है वो कोशिश करनी है जितना शॉर्ट हो उतना ही ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख देना है, ठीक है, ब्यूटीफुल पीकॉक, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर मोर भी लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आप हैशटैग लगाते हो, हैशटैग आपने एक दो ज़रूर लगाने हैं, ठीक है। हैशटैग आप लगाओगे वायरल, ठीक है, वायरल, ये देखें। अब नीचे आपको यहाँ पे सजेशंस में काफ़ी ज़्यादा चैनल से नज़र आ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें वायरल एक, इसके चैनल्स कितने हैं, 12 मिलियन, ठीक है। ये वायरल का आपने टैग लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो रील्स, ठीक है, RWL। अब यहाँ पर अगर आप सजेशन थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको, ये देखें आपके सामने नज़र आ रहा है। अब रील्स पे कितनी ज़्यादा वीडियोस बन चुकी हैं, 1,90,00,000 वीडियोस बन चुकी हैं। अब जब इसको आप क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो भी उनमें शामिल हो जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूँ जो काम रियल में करता है, और इसके ज़रिए से आप जो है ना अपना माइलस्टोन 5,00,000 सब्सक्राइबर्स का आसानी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रील्स आ गया, उसके बाद यूट्यूब, ठीक है, यहाँ पर आ गया यूट्यूब शॉर्ट्स। थोड़ा सा इसको एरो को क्लिक करेंगे नीचे, और यहाँ पर ये देखें यूट्यूब शॉर्ट्स कितने, 100 मिलियन, यानी कि 10 करोड़ वीडियोज इसे इस टॉपिक पे बन चुकी हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो भी उनमें शामिल हो जाएगी। अब 10 करोड़ वीडियोस में अगर आपकी भी वीडियो रैंकिंग में आती है तो आप सोचें ज़रा आपकी वीडियो कितनी रैंक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप लिखते हैं, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूट्यूब अकेला, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाएं यूट्यूब, इसको आपने लगा दिया, ठीक है। अब ये आपने टाइटल लगा दिए, और उसके बाद आपने नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट पे करना, और यहाँ पर इसको इट्स नॉट मेड फॉर किड्स यहाँ पर क्लिक कर देना, नीचे आना है। और उसके बाद आपने चीज़ ये करनी है, यहाँ पर आना है, ठीक है, अलाउ ओनली ऑडियो रिमिक्सिंग, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर आपने क्या करना है, डिसेबल कमेंट्स, कमेंट्स यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने लोकेशन अगर आप देना चाहते हैं तो अपने किसी भी जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क की लोकेशन दे सकते हैं, ठीक है, अगर ना भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपने एक और चीज़ करनी है कि आपने इसको विजिबिलिटी को आपने अभी फ़िलहाल जो है ना प्राइवेट रखना है। प्राइवेट इसलिए रखना है क्योंकि हम भी अभी हमने एक दो सेटिंग्स और इसके करनी है, प्राइवेट पर रखा, अब यहाँ पर करके इसको हमने अपलोड कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर काम ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि हमने यहाँ पर अभी शॉर्ट स्टूडियो YT स्टूडियो में आना है, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद हमने एक दो सेटिंग्स और करनी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उसके बाद जो है ना फर्दर हमारा जो है ना काम कंप्लीट होगा। यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पर इसको अगेन हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये देखते हैं, ठीक है, ये देखें ये अपलोडिंग हो रही है। जैसे ये कंप्लीट होती है उसके बाद जो है ना हम फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और इसके ज़रिए से शॉर्ट, इस तरह से शॉर्ट्स अगर आप अपलोड करते हैं तो आपके सब्सक्राइबर्स 5,00,000 नहीं बल्कि 1 मिलियन तक भी जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स कभी भी आप अपनी लॉन्ग वीडियोस के ज़रिए से गेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया, ये कुछ सेकंड्स रह गया, अभी ये कंप्लीट हो गया, ये प्रोसेसिंग हो गई है तकरीबन, अब ये रेडी है। अब हम जाते हैं YT स्टूडियो में, यहाँ पर हम गए, यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया तो हमारे सामने ये शॉर्ट पे आए, तो ये रहा हमारा, ठीक है। अब इसको हमने क्लिक करके इसकी एडिटिंग फर्दर जो है ना इसमें ऐड लेस करना है। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हमने क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, सॉरी, यहाँ पर क्लिक पहले कर देते हैं, ये वाला जो पोर्शन नज़र आ रहा है इसको आपने डिसेबल कर देना है, ठीक है। आपने अपने जो व्यूज़ हैं, व्यूअर्स हैं, उनको अपने लाइक्स नहीं दिखाने, क्योंकि जो टॉप रैंकिंग पे वीडियोस होती हैं उनके लाइक्स शो किए होते हैं कि इसके इतने मिलियंस लाइक्स हैं, इसके इतने मिलियंस लाइक्स हैं। और अगर आप इसको इनेबल कर देते हो ना, और आपकी वीडियो न्यू है, और उसके बाद आप क्योंकि न्यू वीडियो पे तो इतने ज़्यादा लाइक्स नहीं होंगे, और अगर लाइक्स नहीं होंगे तो बंदा देखेगा, देखने वाला कहेगा कि यार इसके तो लाइक्स ही नहीं है, तो लिहाजा इसको जो है ना हम वॉच नहीं करेंगे, तो किसी और को वॉच कर लेंगे, तो वो किसी और को देखेंगे, आपको आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, टैग्स ऐड करने हैं, पीकॉक, ठीक है, यहाँ पर
और पीकॉक के जो टैग्स हैं वो आपने यहाँ पर ऐड करने हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीकॉक, ठीक है। यहाँ पर टैग्स वगैरह आप ऐड कर दें। टैग्स किस तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ पर सीधा आप गूगल पे आए, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, पीकॉक सर्च करना है, ठीक है, पीकॉक। अब यहाँ पर पीकॉक सर्च करेंगे तो आपके सामने ये देखें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, इनमें से ये जो चीज़ें ना ये आप ऐड कर सकते हो, ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पीकॉक का आपने सर्च यहाँ पर टैग्स लगा दिए, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कैटेगरी पर आना है। कैटेगरी पे आने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ पर देखना है कि कौन सी कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है। तो हमारी जो कैटेगरी है वो पेट्स एंड एनिमल्स है, ठीक है, क्योंकि हमने वीडियो अपलोड की, हर वीडियो की अलग से कैटेगरी होगी, आपके चैनल की कैटेगरी भी होती है लेकिन आपकी वीडियो की हर वीडियो की अलग से कैटेगरी होती है, तो ये हमारी वीडियो की कैटेगरी होगी, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो की कैटेगरी होगी है, और अगर इसको यहाँ पर ये हो गया, हमारा टैग्स भी हो गया, हमारी कैटेगरी भी होगी, और इसको भी हमने डिसेबल कर दिया। अब हमने बैक आना है, बैक आने के बाद हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आना है। डिस्क्रिप्शन में हमने जो है ना पीकॉक के थोड़ा पीकॉक के बारे में थोड़ा सा लिखना है, पीकॉक ब्यूटीफुल पीकॉक, ठीक है, ब्यूटीफुल पीकॉक, उसके बाद पीकॉक इन पाकिस्तान, पीकॉक इन जू, पीकॉक, ठीक है, पीकॉक इन गार्डन, ठीक है। ये इस तरह के कुछ जो है ना आप ऐड कर दें, और उसके बाद आपने क्या करना, विजिबिलिटी इसकी आपने कर देनी है, यहाँ पर आना है और इसकी विजिबिलिटी आपने कर देनी है, यहाँ पर इंस्टेंट प्रीमियर पे करना है आपने इसको, इंस्टेंट प्रीमियर। इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस जिस बंदे ने, चाहे आपको 100 बंदों ने सब्सक्राइब किया हुआ आपके चैनल को, चाहे 400 ने किया हुआ है, तो जिस जब जब आप इसको इसको इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन सबको जाएगा, सबको आपकी वीडियो टॉप पे नजर आएगी, और वो ना भी चाहते हुए आपकी वीडियो को क्लिक करेगा। तो ये आपने ज़रूर करना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर बैक आते हैं, और अब आपने क्या कर देना है, इसको सेव कर देना है, ठीक है। सेव करेंगे यहाँ पर, ये देखेगा, ये देखें, ये सेव हो गई है। अब ये जो है ना प्रीमियर पे लग चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है, ये प्रीमियर हो रही है। अब जब इसको हम अगेन यहाँ पर आते हैं यूट्यूब पे, यहाँ पर यूट्यूब पे जाके इसको देखते हैं, तो लिहाजा हमें अपनी वीडियो कहाँ पर नज़र आती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम नीचे जाते जाएंगे ना, तो हमें शॉर्ट्स में ऑलमोस्ट अपनी वीडियो जो है ना वो नज़र आएगी, यहाँ पर नीचे आते जाएं, ठीक है। जिस चैनल को, जिस बंदे ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया होगा ना, उसको आपकी वीडियो जो है ना वो दिखेगी। तो गाइस इस तरह से जो है ना आप अपना जो वॉच टाइम, अपना जो सब्सक्राइबर्स हैं ना वो गेन कर सकते हो आसानी के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वाकई पसंद आई है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने